चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के मौके पर मतदाता के मन में क्या है, यह वास्तव में 23 मई के बाद ही साफ हो पाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई प्रमुख दलों की नजरें लगी हुई हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई विरोधी दल भाजपा की घेराबंदी के लिए या तो हाथ मिला चुके हैं या फिर मिलाने की तैयारी में हैं। ऐसे में बदले सियासी समीकरणों के बीच पिछले चुनावी रण में बड़े बड़े सूरमा चुनकर संसद पहुंचे थे और इन सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार भी यहीं से दाव पर है। दिल्ली NCR की हॉट सीट कौन कौन सी है और चुनावी मैदान में किस तरह के हैं सियासी समीकरण, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहां से भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सिटिंग MP हैं। दिल्ली में अभी भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीर भले ही साफ ना हो, लेकिन मनोज तिवारी के नाम पर शायद इस बार भी मोहर लगनी तय है। यानी एक बार फिर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपनी किस्मत आजमाते हुए दिखाई देंगे। मनोज तिवारी के सामने वैसे दिल्ली प्रदेश में चुनौतियों का अंबार है। यह चुनौतियां विपक्षी दलों यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से होने के साथ ही घर के भीतर यानी भाजपा के प्रदेश के नेताओं की तरफ से भी हैं। ऐसे में मनोज तिवारी की किस्मत इस बार क्या गुल खिलाती है, यह देखने वाली बात होगी। अगर बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से ही सटे गाजियाबाद क्षेत्र की, तो उत्तर प्रदेश का यह जिला काफी चर्चित रहा है और यहीं से 2009 में वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे और अब इस सीट से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह सिटिंग सांसद हैं और इस बार फिर एक बार इसी गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछली बार जनरल VK सिंह ने 5.5 लाख से अधिक मतों से इस सीट को जीतकर भाजपा की झोली में डाला था। इस बार सपा और बसपा के गठबंधन के बाद इस सीट के सियासी समीकरण भी खासे अलग हो गए हैं, लिहाजा जनरल VK सिंह की राह इस बार आसान नहीं है। बात करें गाजियाबाद के बाद NCR की एक और बड़ी सीट जिसकी सीमा गाजियाबाद से मिलती है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की अगर बात करें, यहां से वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा BJP के मौजूदा सांसद हैं। 2014 में पहली बार महेश शर्मा यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे और इस बार औद्योगिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीटों में से एक गौतम बुद्ध नगर के सियासी समीकरण भी खासे उलझे हुए हैं। सपा बसपा की दोहरी किंतु एक और मजबूत चुनौती का सामना इस बार महेश शर्मा को यहां से करना पड़ेगा। महेश शर्मा की किस्मत क्या इस बार भी उनका साथ देगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली NCR के एक और शहर यानी नोएडा से सटे हुए हरियाणा के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं, तो यहां से केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह गुर्जर वर्तमान सांसद हैं। गुर्जर ने पिछली बार 2014 में लोकसभा चुनावों में 3 बार के कांग्रेसी सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना को 4,66,000 मतों से हराकर बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की थी और इस बार भी भाजपा ने कृष्णपाल गुर्जर पर ही एक बार फिर से अपना विश्वास जताया है। अपने घर में ही चुनौतियों से जूझ रहे कृष्णपाल सिंह गुर्जर इस बार भी पार्टी के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे, यह 23 मई के बाद पता चलेगा। हरियाणा के ही फरीदाबाद लोकसभा सीट से सटे NCR के ही दूसरे क्षेत्र यानी गुरुग्राम लोकसभा सीट की अगर बात करें, तो यहां से भाजपा के एक और कद्दावर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। राव इंद्रजीत सिंह इस समय यहां से मौजूदा सांसद हैं और इस सीट से पिछले 5 में से 4 लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अहिरवाल के राजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह ने यहां पर लंबा सियासी सफर तय किया है। इस बार भी भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह पर ही यहां से भरोसा जताया है। भाजपा के इस भरोसे को राव इंद्रजीत सिंह एवं गुरुग्राम की जनता किस तरह से आशीर्वाद देती है, यह 23 मई के बाद तय हो जाएगा। गुरुग्राम लोकसभा सीट से थोड़ा आगे बढ़े तो हरियाणा का ही एक और लोकसभा क्षेत्र यानी सोनीपत, जहां पर पिछले कई दशकों से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन साल 2014 में मोदी लहर का फायदा उठाते हुए यहां से भारतीय जनता पार्टी के रमेश कौशिक ने
पहली बार भाजपा की विजय पताका फहराई थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने रमेश कौशिक पर ही यहां से अपना विश्वास जताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रमेश कौशिक इस बार यहां से भाजपा के लिए दोबारा जीत दर्ज कर पाते हैं या फिर उनके लिए लोकसभा की राह मुश्किल होती है। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।